हेलो भाइयों, मैं हूँ प्रियांश। तो भाई आज हम बात करेंगे अपने सेगमेंट की सेफेस्ट सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का टाटा नेक्सॉन के बारे में, जिसमें मिलती है आपको ग्लोबल एन कैप की 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। आप इसके अंदर जब बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे। अभी आप देख रहे हो इसके एग्जेट प्लस एस सेकेंड टॉप मॉडल वेरियंट को, जिसमें मिलते हैं आपको कम पैसे में बहुत सारे फीचर्स। प्राइसिंग की बात की जाए तो 11,35,000 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है और 13,14,000 की पड़ती है आपको ऑन रोड लखनऊ। अभी आप देख रहे हो इसके व्हाइट कलर को, इसके अलावा ब्लू, ग्रे, ग्रीन, रेड, ब्लैक का भी ऑप्शन आपके पास है। वेरिएंट्स भी आपको काफी सारे देखने को मिल जाते हैं। इंजन स्पेक्स की बात की जाए तो 2 इंजन ऑप्शन के साथ आती है टाटा नेक्सॉन। अभी आप देख रहे हो इसके 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन, जिसमें मिलती है आपको 120 bhp की पावर, 170 nm का टॉर्क और 17 से लेकर 18 तक की माइलेज मिलती है आपको इसके पेट्रोल इंजन में। मैनुअल अभी आप देख रहे हैं, इसके अलावा ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपके पास है। वारंटी की बात की जाए तो 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर की आपको वारंटी दी जाएगी टाटा की तरफ से। गाड़ी के की फॉब की बात की जाए तो ऐसी कुछ आपको स्मार्ट की मिलेगी। पीछे मिलती है आपको टाटा की ब्रांडिंग, यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प का बटन, इसी के बगल में बूट ओपनिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। दोनों आपको स्मार्ट की मिलती है बिकॉज इसमें मिलती है आपको कीलेस एंट्री। फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 1811 mm की चौड़ाई देखने को मिलती है। सेंटर में आपको दी जाएगी टाटा की ब्रांडिंग। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल ऑफर की जाएगी, जो काफी ज्यादा इन्हें सकती है देखने में। यहाँ मिलती है आपको क्रोम की सराउंडिंग, यहाँ पर मिलती है आपको टैरो डिजाइन। नीचे आते हैं, यहाँ मिलती है आपको फुल ब्लैक फिनिश में लोअर ग्रिल टैरो डिजाइन के साथ। नीचे आपको दी जा रही है सिल्वर फिनिश की स्किड प्लेट। साइड में मिलता है आपको का ऑप्शन। नाइट विजिबिलिटी की बात की जाए तो यहां पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए जाएंगे। साइड में मिल जाती है आपको DRL की प्लेसमेंट एंड हाई बीम के लिए आपको हेलोजन हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं। नीचे आपको मिलती है फॉग लैम्प की प्लेसमेंट एंड साइड में आपको सिल्वर फिनिश एंड ब्लैक फिनिश भी देखने को मिल जाती है। सामने से आपको ऐसा कुछ फ्रंट फेशियल नजर आने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए 209 mm का आपको दिया जाएगा, जिस वजह से काफी डिमांड में रहती है टाटा नेक्सॉन। ये इसका पूरा बोनेट एरिया एंड सामने से आपको काफी मस्कुलर से लुक्स मिल जाएंगे। इधर साइड में आप आते तो आपको हेडलैम्प्स में नेक्सॉन की बैजिंग भी दी जाएगी ब्लैक फिनिश के अंदर। यहां पर आपको दिए जा रहे ऑटोमेटिक वाइपर्स, ड्यूअल वाइपर विद ड्यूअल वॉशर का सेटअप। सामने की विंडशील्ड भी काफी बड़ी रखी गई है, विजिबिलिटी आपको काफी अच्छी मिलेगी अंदर से। रूफ में मिलता है आपको सनरूफ, रूफ रेल्स, पीछे शाफिन एंटीना। ये तो होगी फ्रंट प्रोफाइल की बात। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहां पर आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाएंगे। ड्यूअल टोन में आपको अलॉयस देखने को मिलते हैं। यहां मिलती है आपको टाटा की ब्रांडिंग, इतना कुछ मिलता है आपको सस्पेंशन का स्पेस। टायर सेक्शन की बात की जाए तो यहां पर आपको 215/60R16 का मिलता है पूरा टायर सेक्शन। टायर्स के ऊपर आपको दी जा रही है ब्लैक कलर की काफी चौड़ी सी क्लैडिंग। साइड मिरर की बात की जाए तो ब्लैक फिनिश में आपको ऑटो फोल्डेबल का ऑप्शन मिलता है। गाड़ी को आप जैसे ही लॉक अनलॉक करेंगे, आपके जो ORBMs हैं वो फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। इसमें आपको मिल जाती है इंडिकेटर की प्लेसमेंट, आप इनको अंदर से पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। ए पिलर आपको मिलता है मैट ब्लैक फिनिश में, ये इसकी रूफ रेल्स। बी पिलर भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिया जाएगा, ऐसे कुछ आपको बॉडी कलर पे डोरडस। इस बटन से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर पाएंगे। नीचे मिलती है आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग। ब्रेकिंग की बात की जाए तो रियर व्हील्स में ड्रम और फ्रंट में मिलते हैं आपको डिस्क ब्रेक्स। डायमेंशंस की बात की जाए तो यहां पर आपको 3993 mm की लेंथ मिलेगी, 1811 mm की विड्थ मिलेगी, 1606 mm की हाइट ऑफर की जा रही है। व्हील बेस की बात की जाए तो 2498 mm का आपको मिलता है। स्पेस कितना मिलेगा कैबिन में वो हम लोग आगे प्रॉपर कवर करेंगे। उधर साइड में मिलता है आपको इसका फ्यूल फिलर कैप, 44 लीटर की मिलती है आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी। रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो पीछे से भी आपको काफी ब्रॉड से लुक्स मिलेंगे इस टाटा नेक्सॉन में। पीछे के विंडशील्ड का साइज भी काफी बड़ा रखा गया है। स्पॉइलर जो आप ये देख पा रहे हैं ये काफी अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ मिलती है आपको हाई मोड स्टॉप लाइट, वोकल फॉर लोकल का स्टीकर, डिफॉगर, वाइपर, सारे फीचर्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ मिलती है आपको टाटा की ब्रांडिंग, यहाँ मिलती है आपको ग्लॉसी में ब्लैक फिनिशिंग, यहाँ आपको रिवर्स कैमरे की प्लेसमेंट। नीचे आपको दी जाएगी नेक्सॉन की बैजिंग, इस बटन से अपने आप बूट को एक्सेस कर पाएंगे। पीछे की तरफ आते हैं, नीचे आपको मिलती है 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सिल्वर फिनिश की स्किड प्लेट भी आपको मिल जाती है। साइड में मिलती है आपको टैरो डिजाइन। टेल लैंप्स की बात की जाए तो आपको LED में ऑफर किए जा रहे हैं ऐसे कुछ डिजाइन में। यहां मिलती है आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट, नीचे आपको दी जाएगी रिवर्स लाइट एंड नीचे की तरफ आपको मिलते हैं रिफ्लेक्टर्स। अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। यहां मिलता है आपको बटन जिसको प्रेस करके अपने आप बूट को एक्सेस कर पाएंगे। ये इसका बूट ओपनिंग एरिया एंड इसके टेल गेट में आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है बूट को बंद करने के लिए।
अपने हाथ को आप यहाँ पे फंसा के अपने बूट को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दी जाएगी पार्सल ट्रे ब्लैक फिनिश में, कुछ भी सामान आप इस पर रख सकते हैं। एक 12 वॉट का चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाता है पीछे हेडरेस्ट के जस्ट बगल में। स्पेस की बात की जाए 350 लीटर का आपको मिलता है। थोड़ा सा डीप है तो आपको सामान निकालने रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। साइड में आपको दिया जा रहा है एक लैंप, 60-40 रेशियो में अपनी सीट को आप फोल्ड कर पाएंगे। नीचे मिल जाता है आपको स्पेयर व्हील टूल किट के साथ। ये पंचर किट आपको हर टाटा की कार्स में ऑफर की जाती है। ये तो होगी इसके बूट स्पेस की बात। चलिए करते हैं बूट को बंद। पीछे के डोर्स की बात की जाए तो ड्यूअल टोन में आपको मिलने वाले हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फिनिश आपको देखने को मिलती है। यहां पर आपको दिया जाएगा डोर ओपनर, लॉक अनलॉक, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ग्रैब हैंडल, यहां पर ट्विटर की प्लेसमेंट। नीचे मिलते हैं आपको स्पीकर्स, बॉटल होल्डर, पॉन्डो कंट्रोल्स एंड यहां पर काफी बड़े से मिलती है आपको फिनिशिंग। रियर कैबिन की बात की जाए तो फैब्रिक की सीट्स हैं। सीटिंग का डिजाइन आपको ऐसा कुछ दिया जाएगा। पीछे के जो हेडरेस्ट हैं वो आपको दो मिलते हैं एडजस्टेबल। चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर। मेरी हाइट 5'11" के आसपास है। रियर कैबिन में बैठने के बाद इतना मिलता है आपको लेग स्पेस। मुझे पर्सनली टाटा नेक्सॉन की सीटिंग काफी अच्छी लगती है, काफी कंफर्टेबल सीट्स हैं। फ्रंट में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, रियर में मिलते हैं आपको दो एसी के वेंट्स। रियर आर्मरेस्ट में मिलता है दो कप होल्डर्स के साथ में। साइड की तरफ आते हैं, यहाँ मिलता है आपको एक ग्रैब हैंडल। पीछे का सिटिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी आराम से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। ये इसकी सनरूफ जो इंडियंस को काफ़ी पसंद आएगी। ये तो हो गई इसके रियर कैबिन की बात। चलिए अब निकलते हैं गाड़ी के बाहर। ड्राइवर साइड डोर्स की बात की जाए तो ब्लैक व्हाइट फिनिश में आपको मिलते हैं। नीचे आपको दिए जाएंगे रिफ्लेक्टर्स। ये जो आप ऊपर लीवर देख रहे हैं इससे अपने आप ओआरएम को एडजस्ट एंड फोल्ड कर पाएंगे। यहाँ मिलता है आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, यहाँ पर डोर ओपनर, लॉक अनलॉक, यहाँ पर आपको ट्विटर, नीचे मिलती है आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, चारों पॉन्डो कंट्रोल्स एंड नीचे आपको दिया जाएगा बॉटल होल्डर। फ्रंट कैबिन की बात की जाए तो लेग में आपको दिया जाएगा इतना कुछ स्पेस। ब्लैक फिनिश में आपको फैब्रिक की सीट्स ऑफर की जा रही हैं। ये इसका सीट का पूरा डिजाइन। फ्रंट में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। हाइट एडजस्ट, रिक्लाइन दोनों का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। नीचे मिलता है आपको फ्यूल ओपनर। ये इसके मैनुअल के ABC प्लस ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपके पास है। ये इसके अंदर का पूरा इंटीरियर। चलिए आप बैठते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर से बैठ के सारे फीचर्स को कवर करते हैं। ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद ऐसा कुछ आपको नजर आएगा सामने का डैशबोर्ड, ब्लैक व्हाइट एंड यहां पर आपको थोड़ी बहुत डिजाइन भी दी जा रही है इसके डैशबोर्ड में। चलिए करते हैं इग्निशन ऑन। तो यहां पर आपको मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, जिसको प्रेस करते ही आपका इग्निशन ऑन हो जाएगा। यहां पर आपको दिया जा रहा है डिजिटल क्लस्टर। अगर आप टॉप मॉडल में जाएंगे तो वहां पर आपको सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलता है। सारी चेकलाइट, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी जाएंगी एंड अपनी MID कॉप। साइड मिलता है आपको लीवर, इस लीवर के थ्रू अपनी MID कॉप कंट्रोल कर पाएंगे। ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज, माइलेज एंड टायर प्रेशर का भी ऑप्शन आपको यहां पर दिया जाता है। क्लस्टर की बात, स्टीयरिंग की बात की जाए तो फुली ब्लैक फिनिश में आपको स्टीयरिंग ऑफर किया जाएगा। काफी बढ़िया से मिलती है आपको फिनिशिंग। साइड में आपको दी जा रही है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश। यहां मिलती है आपको टाटा की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो। यहां पर आपको दिया जाएगा मल्टीमीडिया टेलीफोनिक के सारे कंट्रोल्स। राइट की तरफ आपको दिए जाएंगे क्रूज के सारे कंट्रोल्स। स्टीयरिंग के पीछे मिलते हैं आपको वाइपर के कंट्रोल एंड राइट की तरफ मिलते हैं आपको हेडलैम्प के सारे कंट्रोल्स। ये तो होगी स्टीयरिंग की बात। सेंटर कंसोल की बात कर ली जाए तो 7 इंच का आपको टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, पावर्ड बाय हरमन। 4 स्पीकर, 4 ट्विटर का मिलता है आपको प्रीमियम साउंड सिस्टम। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ ऑफर किया जाता है। रिवर्स कैमरे की क्वालिटी दिखाऊं तो ये इसका रिवर्स कैमरा नेविगेशन के साथ अपने स्टीयरिंग को आप जिधर भी मूव करेंगे उधर आपको डायरेक्शन बताता है। तो काफी बढ़िया सा आपको रिवर्स कैमरा ऑफर किया जा रहा है। इसी के नीचे आपको दिए जाएंगे 2 AC के वेंट्स। यहाँ मिलती है आपको हेजलाइट का बटन। नीचे मिलती है आपको नेक्सॉन की बैजिंग ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। AC के मिलते हैं आपको सारे कंट्रोल्स। फुली ऑटोमेटिक आपको AC ऑफर किया जाएगा, काफ़ी सारे बटन्स। यहाँ पर आपको बूट ओपनिंग, लॉक अनलॉक, यहाँ पर कुछ बटन्स। नीचे आपको दिया जाएगा 12 वॉट का चार्जिंग पोर्ट। अभी आप देख रहे हो इसके 6 गियर मैनुअल स्पीड ट्रांसमिशन को। इसके अलावा ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपके पास है। यहाँ मिलते हैं आपको ड्राइविंग के मोड्स, 3 ड्राइविंग मोड्स आपको ऑफर किए जाएंगे। यहाँ मिलता है आपको मैनुअल हैंड, यहां पर थोड़ा सा स्पेस जिसमें आप रख के सामान इसको बंद कर सकते हैं। ये इसका फ्रंट आर्मरेस्ट जिसमें आपको थोड़ा सा स्पेस भी दिया जा रहा है। थोड़ा बहुत सामान रख के आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। फ्रंट डैशबोर्ड पे आपको व्हाइट फिनिश में थोड़ी सी डिजाइन मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो आपको कूल मिलेगा, काफी डीप मिलता है आपको स्पेस एंड एक लैंप भी आपको ऑफर किया जा रहा है। और आगे से जो विजिबिलिटी मिलती है आपको काफी अच्छी मिलती है। बंपर टू बंपर आप इसको आराम से ड्राइव कर पाएंगे। ऊपर की बात की जाए तो ड्राइवर साइड कोई भी मिरर आपको नहीं मिलता है। पैसेंजर साइड आपको एक मिरर ऑफर किया जाएगा। यहां मिलता है आपको मैनुअल डे नाइट IRBM। यहां मिलते हैं आपको व्हाइट
ब्राइट लाइट के बटन्स, सनरूफ के बटन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, यहाँ पर माइक की प्लेसमेंट, वन टच सनरूफ नहीं, आप इसको लॉन्ग प्रेस कर देंगे तभी आपकी सनरूफ ओपन होगी, और स्पेस आपको इतना कुछ मिल जाता है इसके सनरूफ में, बट आपको बंद करना है तो एक बार प्रेस करके अपनी सनरूफ को आप बंद कर सकते हैं। तो यही था इसके अंदर का पूरा इंटीरियर, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब निकलते हैं गाड़ी के बाहर, बात कर लेते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको ABS विद EBD ब्रेक एसिस्ट, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, हील असिस्ट, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, आइसोविक चाइल्ड सीट माउंट, और फ्रंट के मिलते हैं आपको दो एयर बैग्स। तो यही थी टाटा नेक्सॉन अपने सेगमेंट की सेफेस्ट सब कॉम्पैक्ट SUV कार, बिकॉज इसमें आपको मिलती है ग्लोबल NCAP की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग। प्राइसिंग के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये आपकी XZ प्लस S वेरिएंट है, 11,35,000 रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइस है और 13,14,000 की पड़ती है आपको ऑन रोड लखनऊ। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं टाटा की कोई भी कार्स, तो SRM मोटर्स स्टेशन रोड 4 बाग लखनऊ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर एंड लोकेशन शो हो रही होगी। मैं प्रिंसिपल तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।